हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जुपिटर एज के बारे में बताऊंगा। जुपिटर एज एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप यूपीआई को यूज करके किसी भी मर्चेंट पे पेमेंट कर सकते हैं। इस बाय नाउ पे लेटर में आपको 20,000 रुपए की मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। साथ ही इसमें और भी क्या क्या फायदे हैं और आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा। क्योंकि आप यह स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मुझे जुपिटर एज पे लेटर में 10,000 रुपए की लिमिट मिली है। तो ये किस तरह से मिली है, आपको क्या करना होगा ताकि आपको भी ये लिमिट मिले, और आप इस लिमिट को कहाँ यूज कर सकते हैं, सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हर तरह की लूट की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेगी और इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी जुपिटर एज की लिमिट अप्रूव हो गई है और मुझे 10,000 रुपए की लिमिट मिली है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। आपको बता दो, जुपिटर एज पे लेटर पहले बुलेट के नाम से जाना जाता था। 2021 में मुझे बुलेट की पे लेटर लिमिट मिली थी, लेकिन बाद में किसी कारण से बुलेट ऐप डिसकंटिन्यू हो गया और अब वह जुपिटर एज के नाम से फिर से एक्टिवेट हो गया है। उस समय भी मुझे 10,000 की लिमिट मिली थी, लेकिन फिर ऐप बंद हो गया। लेकिन मैंने फिर से जुपिटर एज के लिए अप्लाई किया तो मुझे फिर से अपनी 10,000 की लिमिट मिल गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे 2021 के कुछ ट्रांजेक्शन है जो मैंने बुलेट ऐप पे किए थे, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप जुपिटर एज पे लेटर के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके जुपिटर एज ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, एवरीवन डिजर्व्स अ लिटिल एक्स्ट्रा, गेट अप टू 20,000 क्रेडिट फॉर ऑल योर यूपीआई परचेज। यानी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20,000 रुपीज की लिमिट मिल सकती है और इस लिमिट को आप यूपीआई के थ्रू यूज करके किसी भी मर्चेंट पे पेमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो या ऑफलाइन स्टोर हो। यानी कि आप शॉप नाउ पे लेटर करेंगे और आपको इसके लिए 15 डेज की इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ परमिशन अलाउ करने होगी, जैसे कि SMS परमिशन, फोन परमिशन, फिर नीचे एग्रीमेंट पे टिक मार करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ परमिशन यहाँ पे अलाउ करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके क्रेडिट कार्ड में जो नंबर लिंक है आप उसी नंबर को यहाँ पे एंटर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये आपके सिबिल स्कोर को फेच करेगा। तो नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन में जो सिम है आपको उस सिम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके नंबर पे एक SMS भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा, तो उसके लिए आपको नीचे चेक इन बॉक्स पे चेक इन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखिए, ये मेरा क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है। उसके बाद देखिए, मेरा क्रेडिट स्कोर सक्सेसफुली चेक करने के बाद यहाँ मुझे बताया गया कि मुझे 10,000 रुपए की लिमिट मिली है और यहाँ पे मुझे मेरा जुपिटर एज का UPI ID भी मिल गया है। उसके बाद दोस्तों, आपको 3 स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप तो आपको अपने आधार और पैन कार्ड को डिजिटली वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और थर्ड स्टेप में आपको वीडियो कॉल करके KYC करनी होगी। किसी भी पे लेटर ऐप में वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जुपिटर एज कुछ ज़्यादा ही वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आपको वीडियो KYC करनी होगी। यहाँ देखिए, वीडियो KYC करने के लिए बता रहा है कि 2 मिनट लगेंगे और हमारी क्रेडिट लिमिट जो 10,000 की हमें अप्रूव हुई है वो अनलॉक हो जाएगी। तो हमने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम जुपिटर एज के एजेंट से कनेक्ट हो गए। और फिर जैसे ही हमने वीडियो KYC पूरी कर ली, हमारे रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जा रहा है, और जैसे ही रिव्यू कंप्लीट होगा हमें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आज मुझे ये ईमेल आ गया। उसके बाद बताया गया कि हमारा जुपिटर एज अकाउंट अप्रूव हो गया है और हमारी क्रेडिट लिमिट अनलॉक हो चुकी है। तो जैसे मैंने फिर से जुपिटर ऐप में लॉगिन किया तो आप देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, जुपिटर एज इज रेडी फॉर यूज। 10,000 रुपीज की हमें क्रेडिट लिमिट मिली है जिसे हम यूज कर सकते हैं और हर 15 दिन में हमारा बिल होगा। यानी कि जिस तरह से लेजी पे में पहले 15 दिन का बिलिंग साइकिल होता था, उसी तरह से जुपिटर एज में
अभी फिलहाल 15 दिन का बिलिंग साइकिल है, तो लिमिट अप्रूव होते ही ये हमें हमारा जुपिटर एज का पिन जनरेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए जुपिटर एज का पिन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जुपिटर एज का 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर लिया है। अब आप यहाँ होम स्क्रीन में देखिए 10,000 रुपए की लिमिट हमें मिली है और जुपिटर एज का बिल महीने में 2 बार बनेगा। पहले बनेगा 5 तारीख को और दूसरी बार बनेगा 20 तारीख को। तो चलिए स्कैन एंड पे पे क्लिक करते हैं। तो स्कैन एंड पे पे क्लिक करने के बाद देखिए पेमेंट्स अलाउड टू मर्चेंट्स ओनली। यहाँ पे आप केवल मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक मर्चेंट को 1,000 रुपए का पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने एक मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन किया और मैं 1,000 रुपए का पेमेंट इस मर्चेंट को करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने 1,000 एंटर कर दिए और कन्फर्म करते ही देखिए मेरा 1,000 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुली मर्चेंट को हो चुका है और अब मेरी लिमिट जो बची है वो केवल 9,000 रुपए बची है। तो जैसे आज यानी कि 5 जून को मैंने 1,000 रुपए खर्च किए अपने जुपिटर अकाउंट से, तो मुझे इसका पेमेंट 20 जून को करना होगा। 20 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा, 1 से 2 दिनों के भीतर मुझे 1,000 रुपए का पेमेंट कर देना होगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जुपिटर एज की लिमिट को बैंक अकाउंट में किस तरह से ले सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिलेंगे जुपिटर एज मनी को बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर करना है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जान गए होंगे आपको किस तरह से जुपिटर एज की लिमिट मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो का प्लीज एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।